हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीवीएन ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हमारे ओरल टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यूनिट 4 हमारी कंटिन्यू चल रही है। उसका नाम क्या है, माउस। माउस की पिक्चर मैंने आपको बताई है कि माउस किस तरह से दिखता है और ये माउस क्या होता है, कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है। तो फर्स्ट इसमें आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ माउस। माउस के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो मैंने जो फंक्शन माउस के होते हैं वो बोर्ड पे लिखे हैं। फर्स्ट आप स्पेलिंग देख रहे हो, तो मैंने ये आपको डिफिकल्ट वर्ड में भी करवाई है। किसकी स्पेलिंग है, क्लिक। क्लिक की स्पेलिंग क्या लिखी है मैम ने, CLIC K। सो स्टूडेंट, क्लिक मीन्स माउस का जब अपन लेफ्ट बटन जो होता है उसको प्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लिक करना। कोई भी मॉनिटर स्क्रीन पे अपन कुछ आइटम देखते हैं उस पर क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन से, तो उसका क्या मीनिंग होता है, क्लिक। नेक्स्ट आप स्पेलिंग देख रहे हो, राइट क्लिक, RIGHT CLIC K। सो स्टूडेंट, राइट क्लिक जब आपकी फिंगर सेकेंड फिंगर होती है जब उस पर आप क्लिक करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, राइट क्लिक। थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो, डबल क्लिक। सो स्टूडेंट, डबल की स्पेलिंग आपको क्या दिखाई दे रही है, DOUBLE डबल एंड क्लिक, CLIC K। स्टूडेंट, डबल क्लिक एक बार करते हैं तब तो वो तो सिंगल क्लिक हुआ, इसी फिंगर को अपन दो बार प्रेस करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डबल क्लिक। और डबल क्लिक कब किया जाता है, जब किसी फाइल को ओपन करनी हो, कुछ देखना हो हमें, तब अपन क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। जब हमें सेलेक्ट करना हो तब तो एक बार क्लिक करते हैं, जब उसे ओपन करना हो, उसको खोल के देखना हो, तब अपन क्या करेंगे, दो बार प्रेस करेंगे अपनी फिंगर को माउस के ऊपर। नेक्स्ट आप देख रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये मैं आपको माउस के फंक्शन बता रही हूँ कि माउस क्या क्या करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग मीन्स हिलाना, जो माउस पॉइंटर होता है। स्टूडेंट, माउस पॉइंटर कौन सा होता है, जो ये एरो आप देखते हो स्क्रीन पे, ये क्या होता है, माउस पॉइंटर। इसको जब अपन माउस को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे हिलते हैं तो ये एरो मॉनिटर स्क्रीन पे मूव करती है, चारों तरफ हिलती है। जैसे जैसे अपन माउस को हिलाते हैं ये वैसे वैसे हिलती है। सो इसमें क्या लिखा है, ड्रैग एंड ड्रॉप। एक ही होता है, ड्रॉप मीन्स होता है कि छोड़ना, ऐसे जैसे हमने माउस से किसी पिक्चर को ऐसे उठा के इधर लाके छोड़ दिया, तो ये भी क्या होते हैं, माउस के फंक्शन होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट आप देख रहे हो, स्क्रोल। स्क्रोल बटन माउस के बीच में होता है। जैसे मैंने आपको माउस बताया था, यहाँ पे जो बटन होता है वो कौन सा होता है, स्क्रोल बटन। स्क्रोल की स्पेलिंग SCROL। तो स्क्रोल की स्पेलिंग ये होती है, ये क्या करता है, जैसे कोई भी आपने फाइल ओपन की है उसको अप डाउन नीचे ले जाना, ऐसे 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 राउंड राउंड करके आप घुमाओगे तो वो फाइल क्या होगी, ऊपर नीचे होगी। तो स्क्रॉल मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बटन बोलते हैं, जो बीच में होता है। ये वाला लेफ्ट बटन होता है, ये वाला राइट बटन होता है, बीच में स्क्रॉल बटन होता है, जो किसी भी फाइल को अप डाउन करने में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, पॉइंट। सो स्टूडेंट, किसी भी आइटम को पॉइंट करना, सेलेक्ट करना, ये सारा काम कौन करता है, माउस करता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 6 पॉइंट किसके बताए हैं, माउस के फंक्शन बताए हैं, माउस के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अपन फिंगर रखते हैं, ये जैसे आपका हैंड है, हैंड है, ओके स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट है, तो ये क्या होता है, थम। ये तो आपको, आप भी जानते हो कि ये क्या होता है, थम, THUMB, थम। बट स्टूडेंट, जो फर्स्ट फिंगर माउस के ऊपर रखी जाती है वो कौन सी फिंगर होती है, ये जो फर्स्ट फिंगर आप देख रहे हो ये कौन सी होती है, इंडेक्स। इस फिंगर को अपन क्या बोलते हैं, इंडेक्स। तो इंडेक्स की स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, INDEX। इंडेक्स की स्पेलिंग क्या होती है, INDEX। नेक्स्ट आप देख रहे हो, जो बीच की फिंगर होती है उसको बोलते हैं मिडल, एंड मिडल की स्पेलिंग क्या होती है, MIDDLE। MIDDLE। तो फर्स्ट ये क्या होता है, थंब, ये आप जानते हो। फर्स्ट फिंगर इंडेक्स होती है अपनी, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर मिडिल होती है, थर्ड फिंगर जो होती है ये होती है रिंग फिंगर, RING। ये कौन सी फिंगर होती है, रिंग फिंगर। एंड लास्ट सबसे छोटी वाली फिंगर, तो लिटिल फिंगर, LITTL।
तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया है बिकॉज जब अपन माउस पे अपनी दोनों फिंगर रखते हैं तो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर किस पे रखी जाती है, लेफ्ट बटन पे, एंड मिडिल फिंगर किस पे रखी जाती है, राइट बटन पे। ये आपको इससे अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपको माउस का डायग्राम बनाना है, इसको क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। अब ये मैंने हेड की पिक्चर बनाई है कि आपको ये सारी स्पेलिंग अच्छे से लर्न हो जाए। ओके स्टूडेंट आपको ये सब करना है और लर्न करना। ओके थैंक यू।